बनते रिकॉर्ड से सकते में नागरिक, संक्रमण रोकने में विफल रही सरकारें। भारत में पिछले 24 घंटे में 1100 से अधिक लोगों की जान कोरोना की वजह से गई है और पिछले 24 घंटे में 94,392 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद भारत में कोरोना केसेस की संख्या बढ़कर 47 लाख से ऊपर पहुंच गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए सरकार के सभी दावे खोखले नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी है जरूरी, मास्क पहनना ना भूलें। लोग तो सरकार के बताए नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की सुस्ती के कारण संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। मार्च में जब इसी तरह अमेरिका और इटली में हर रोज सैकड़ों लोगों की जान कोरोना की वजह से जा रही थी, उस वक्त सरकार खूब हो हल्ला कर रही थी, और आज जब भारत में रोज सैकड़ों लोगों की जान जा रही है तो सरकार की तरफ से कोई बयान भी नहीं आ रहा है। शुरुआत में रोज सरकार के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अब वो भी बंद हो गई है, जिसके कारण लोगों को कोरोना की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी भी नहीं मिल पा रही है। सरकार की खामोशी का परिणाम यह है कि देश में अब कई लोगों की जान इलाज के अभाव में दूसरी बीमारियों से भी जा रही है। डायलिसिस पर चल रहे लोगों का समय पर डायलिसिस नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनकी जान खतरे में है। वहीं दूसरी बीमारी होने पर अस्पताल में भर्ती तो कर लिया जाता है, लेकिन उसका इलाज ढंग से नहीं हो पा रहा है। आज प्राइवेट अस्पतालों में ऐसे हालात हैं कि लाखों रुपए भरकर भी लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, और सरकारी अस्पतालों की तो बात ही क्या करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।